डेली दो तीन जन नहीं होने से मेरा नींद ही नहीं आते। मैं तो हरदम कोशिश करता हूं कि कांग्रेस का सब लोग बीजेपी में आए, हम जरूर उसको तोड़ना चाहता हूं। हमारा पूरा 5 साल प्रयास रहा उनको तोड़ने के लिए और आगे भी रहेगा कि तोड़ फोड़ के नहीं, तोड़ना तो कहां? अच्छा लगता हम तो तोड़ना नहीं चाहता हूं ना, हम तो पूरा चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा क्लियरली बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पहला वाला जमाना नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, आप लगा सकते हैं सुबह, शाम को कोर्ट स्टे कर देगा। आप देश का कानून का खिलाफ तो नहीं जा सकते, ये डेमोक्रेसी है। नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं जिन्हें हिंदुत्व का सबसे चमकता चेहरा माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके कल के फैसले पर चर्चा करेंगे जिसमें नमाज के लिए जो 2 घंटे का वक्त है वो स्थगित करने की करने का फैसला आपने किया है, इसकी ज़रूरत कितनी थी? अब देखिए, हमारे जो विधानसभा है, ये विधानसभा बहुत ही पुराना विधानसभा है। ये 1935 का इंडिया एक्ट का अनुसार इसका निर्माण हुए थे। मुस्लिम लीग का सरकार बने थे असम में पहला बार 1937। वो समय ये निर्णय किया गया था कि हर शुक्रवार 2 घंटा के लिए सदन नहीं चलेगा, जुम्मा का ब्रेक होगा। तो ये कॉलोनियल लीगेसी थे। ये जब हम अमृत काल से गुजर रहा हूँ, हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि आप कॉलोनियल लीगेसी को आप डिमोलिश करो। हमने हमारा विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे विधायकों ने रूल कमेटी में बैठा, सर्वसम्मत ये सिद्धांत हुआ कि अगर ये काम लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होते हैं तो असम विधानसभा में भी नहीं होना चाहिए, और इसमें हमारा मुसलमान विधायकों ने भी हाँ बोहरा। ऐसा नहीं है कि हमने बुलडोज किया, तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है। वही सिद्धांत को स्पीकर साहब ने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दों से हिंदुत्व का चेहरा निखरता है? शायद यही वजह है कि झारखंड में आप घुसपैठ के मुद्दे को उभारना चाहते हैं। हिंदुत्व और भारतीयता, उसमें बहुत एक थीन लाइन का डिफरेंस होते हैं। तो आप जिसको हिंदुत्व बोलते हैं इसको आप भारतीयता भी बोल सकता है। हम नेशनलिज्म का पक्ष में हूं और हमें रहना है, ये कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। हर भारत का नागरिक को भारत का पक्ष में खड़ा होना है, होना चाहिए, होना ही है। अगर आप घुसपैठियों का साथ खड़ा होते हो तो आप देश का नागरिक का कर्तव्य का निर्वाहन आप नहीं कर रहे। तो इसीलिए घुसपैठियों का जो मामला है, ये मेरा देश का अस्मिता का मामला है, मेरा देश का सिक्योरिटी का मामला है, मेरा देश का भविष्य का मामला है, और उसमें हमारा आवाज बुलंद रहना चाहिए। झारखंड की राजनीति पे आए, अभी कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति का बहुत अहम पड़ाव है, 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण बीता है। पार्टी को कितनी उम्मीद है, कितना फायदा होगा इससे? देखिए, जब मैं पहला बार झारखंड में आए थे तब पूरा मीडिया का यही क्वेश्चन था कि आपका पास आदिवासी सहरा कहाँ है। 3 महीना में आपने देख लिया है कि पूरा पार्टी आदिवासी नेताओं से समृद्ध हो रहा है। फायदा और लॉस को आप काउंटिंग नहीं करना चाहिए राजनीति में। जितना भी लोग बीजेपी में आए गए, हर लोगों का पास कुछ ना कुछ शक्ति होते हैं।
छोटे छोटे नदियां मिलके ही महासमुद्र होते हैं। हम लोग आए थे पार्टी में, यही प्रश्न था कि हिमंत विश्व शर्मा पार्टी में आए हैं, कितना शक्ति लेके आए हैं। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ये जो बीजेपी को वोट देने का मामला है वो सिर्फ नेताओं के आने जाने से नहीं बनता है? नेता उससे नहीं बनता है, नेता एक मोमेंटम लाते हैं। हाँ। हमारे मुद्दा है, एक मुद्दा डेमोग्राफी घुसपैठिया, दूसरा मुद्दा वादा खिलाफी। जब नेता और प्रतिष्ठित नेता, और जो नेता का कोई दाग नहीं है, जो नेता पॉपुलर है, वो नेता जब ये मुद्दा को एम्प्लीफाई करते हैं, मुद्दा बड़ा बनते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जनजातीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, और इसके बावजूद उनको खूंटी में करारी शिकस्त मिली? शिकस्त मिला है, ये तो हकीकत है। लेकिन उस पराजय से हमें सीखना है, और 3 महीना से हम सीखा हूं। अभी जब खूंटी का विधानसभा, वही लोकसभा में आप जब विधानसभा का चुनाव का परिणाम आएगा, आपको बेहतर परिणाम दिखाई देगा। जैसे खूंटी विधानसभा में हमने हारा है, लेकिन इस बार हम जीतेगा, तो उसकी तैयारी यही काम करना है। हर पराजय से सीखना है, हर पराजय को विजय का आधार बनाना है। एक आरोप जो आपकी पार्टी पे लगता है, और उससे आपके समर्थक भी आहत हैं, अभी जब केंद्र में आपकी सरकार आई है, अल्पमत की सरकार है, एनडीए पूर्ण बहुमत में है लेकिन बीजेपी अल्पमत में है, कई बड़े फैसलों में पार्टी को पीछे जाना पड़ा है। ये जो बीजेपी की नीति थी उससे थोड़ा अलग दिखता है, देखिए क्या उससे आपके समर्थक राष्ट्रीय यही मैंडेट है 2026 का। जब हमारा सरकार था, पूर्ण बहुमत का सरकार था, लोगों ने हमको ताकत दिया था कि आप निर्णय लीजिए और निर्णय को आप परिवर्तन मत कीजिए। लेकिन 2026 का जो मैंडेट है वो मैंडेट है, देखिए बीजेपी का बहुमत नहीं है, एनडीए का साथियों को साथ में लेके चलो। तो क्या हम माने तो मैंडेट का जो कैरेक्टर ऑफ द मैंडेट है, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट पार्टी, पॉलिटिक्स इज अबाउट पीपल्स विश। तो ये लोगों का तमन्ना था, लोगों का जरूरत है, लोग मानते हैं कि देखो 10 साल आपने सरकार ऐसा चलाया, अगले सरकार 5 साल आप ऐसे चलाइए, फिर 29 में हो सकता है कि और एक अलग मैंडेट दे। प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री हो, उनका जिम्मेदारी होता है कि मैंडेट को पढ़ो और मैंडेट का हिसाब से आगे बढ़ो, यही लोकतंत्र है। तो क्या आप अपने समर्थकों को ये बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो मामला मैंने देखिए, दूसरा जो मामला है उसमें बहुत कड़े स्टेप नहीं उठा पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी का एक वैचारिक सिद्धांत है, जब 2016 का सरकार आए तब हमने बोला कि इस बार राम मंदिर पॉसिबल नहीं है। हमारा जो सपोर्टर है लोग थोड़ा नाराज हुए, लेकिन जब आपने 19 में हमें बड़ा मैंडेट दे दिया, हम तुरंत आके राम मंदिर का काम कर लिया। बीजेपी कभी भी अपना वैचारिक सिद्धांत से अलग नहीं होते हैं, लेकिन कौन सा समय है इसको इम्प्लीमेंट करना, कौन सा सही समय है इसको निर्णय लेने का अधिकार हमारे नेता लोगों का पास होना चाहिए। अब मान लीजिए, अब वाकफ बोर्ड का जो कानून है, चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला कि आप जेपीसी करवाइए, नीतीश कुमार जी ने बोला आप जेपीसी करवाइए, अगर हम बोले नहीं नहीं हम जेपीसी नहीं करूंगा, हम इसको पास करवाएंगा, आपका पास वोट कहाँ है? संसद में तो आपको संख्या सही है, कराना पड़ेगा। जो दिन वाकफ कानून था राज्यसभा में भी हमारा संख्या नहीं थे, अभी हम जाके राज्यसभा में मेजोरिटी बने।
अगर जेपीसी हो गया, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी का परामर्श हमने मान लिया, अभी जब सदन में दोबारा वाकफ कानून आएगा तब एक बेटर कंसेंसस होगा। तो क्या आप संकेत दे रहे हैं कि अब जबकि राज्यसभा में आप कंफर्टेबल नहीं? ये संकेत का बात नहीं है, ये तो साफ है। जब कानून एक बार सदन में आया है वो पारित भी होगा, ये पीछे हटने का बात नहीं है। लेकिन समय और कॉन्सेंसस, टाइम एंड कॉन्सेंसस, यू शुड लीव इट टू द पीपल हु विल डू इट। कभी भी आर्मी का जो कमांड होता है, सामने में रहता है, उनको आप प्रभावित मत कीजिए, खाली उनको टास्क दीजिए, आपको पाकिस्तान को हटाना है कारगिल से। कैसे हटाएगा, कब हटाएगा, कौन सा समय वो क्या मिसाइल दागेगा, इतना माइनूट्स में हमें जाना नहीं है। ये काम आर्मी कमांडर्स का है। तो संसद में कानून आया है, कैसे कानून पास होगा, हमारा है कि कानून पास करो, लेकिन कैसे, क्या स्वरूप में पास होगा, ये वही लोगों का छोड़ दीजिए जो संसद को परिचालना करता है, संसद का रणनीति बनाते हैं। एक बात ये भी आती है कि बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुआ, काफ़ी समर्थक निकल कर आए, आपको सीटें भी बहुत मिली, लेकिन जब उन समर्थकों पर हमला हुआ तो पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। तो एक चिंता तो होती है कि हम कैसे रह सकते। पार्टी खड़ा होने का मतलब क्या है? जैसे हमने बीजेपी के लिए काम किया, सरकार हमारा नहीं बना, सरकार ममता बनर्जी का बना, पुलिस उनका है, मिलिट्री उनका है, मान लीजिए, तो आप कैसे उनका साथ खड़ा रहेगा? आप न्यायालय में जाएगा, हम न्यायालय में गया, पार्टी का जो भी पीरियड है उस परिवार का साथ खड़ा रहो, हमने खड़ा रहा। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है कि पार्टी ने खड़ा नहीं रहा? जो डेमोक्रेसी का अंदर जो खड़ा रहने का प्रक्रिया है उसमें तो हम हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं बंगाल पुलिस तो है, आप वहां में सीआरपी भेज दीजिए, भारत का कानून तो आपको इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन तो कानून का शासन लगाने आपको मालूम है, जब एसआर बोम्मई केस आया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में पूरा क्लियरली बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कि आपको कहां कहां आप लगा पाते हो, इसका पूरा दायरा बना के रखा गया है। अभी वो पहला वाला जमाना नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, आप लगा सकते हैं सुबह, शाम को कोर्ट स्टे कर देगा, तो उससे तो आप एक्सपोज ही होगा। सुबह लगाया, शाम 3 बजे चीफ जस्टिस का वहां में हियरिंग होगा, 9 जजेस बैठेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून स्टे कर देगा, मीडिया को थोड़ा टीआरपी मिलेगा, और क्या होगा, एक दिन के लिए हलचल रहेगा। आप देश का कानून का खिलाफ तो नहीं जा सकते, ये डेमोक्रेसी है। ये शुरू से, जब से झारखंड में हेमंत सरकार बनी, तब से लगातार कहा जाता रहा कि बीजेपी उनको तोड़ना चाहती है, उनकी सरकार को गिराना चाहती है। हम जरूर उसको तोड़ना चाहता हूं, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा पूरा 5 साल प्रयास रहा उनको तोड़ने के लिए, और आगे भी रहेगा। किस लिए? हमका यह सिद्धांत है कि वो झारखंड का जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम असफल है तो होते हैं, अगर लोग हमें वोट नहीं देते हैं। हम तोड़ेगा बोलने से तो नहीं तोड़ा जाएगा, अभी भी सुनाव है, हम तोड़ना चाहता हूं, लेकिन आप वोटर है, आपने बोला नहीं, आपको हम तोड़ने नहीं दूंगा, तब कैसे तोड़ा जाएगा? लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे, कोशिश बराबर करते रहेगा, लेकिन लीगली, संविधानिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली कोशिश रहेगा। लाइन में कुछ कांग्रेस के भी नेता हैं, जो आएगा आएगा, आपकी तरफ से कोई कोशिश? मैं तो हरदम कोशिश करता हूं कि कांग्रेस का सब लोग बीजेपी में आए, ये मेरा एक मिशन भी है, आप भी आए बीजेपी में। बीजेपी को जितना शक्तिशाली बना सकता है,
भारत के लिए अपना ही अच्छा है। तो कोई फ्लाइट में भी मैं कोई लोगों को मिल जाता हूँ, मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई साहब आप बीजेपी में ज्वाइन कीजिए, ये मेरा आदत ही है मान लीजिए। डेली 2-3 ज्वाइन नहीं होने से मेरा नींद ही नहीं आते। अच्छा, ये जो टैग आपके ऊपर लगा हुआ है कि आप तोड़ फोड़ करने में माहिर हैं। तोड़ फोड़ के नहीं, तोड़ना तो ये अच्छा लगता हम है। तो तोड़ना नहीं चाहता हूँ ना, हम तो पूरा साटा हूँ। लेकिन पूरा नहीं आने से, आधा आने से तो आपको लेना पड़ेगा। अगर हम साटा हूँ कि पूरा आ जाइए, लेकिन बोले नहीं नहीं हम पूरे नहीं आऊंगा, बोले हम आधा आऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा आधा को, आप मत आइए। तो मेरा दरवाजा खुला है, आप आइए, आपका स्वागत है। चलिए, लेकिन आपके दरवाजे के अंदर पहले जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता आपको नहीं होती कि नहीं। वो जो बाहर से आएंगे होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं बीजेपी हूं, मेरा काम है बीजेपी को ताकत देना, राष्ट्र को ताकत देना। अगर किसी का चिंता है वो आने से मेरा कुछ क्षति होगा, वो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने सबका यहाँ लिख के रखा है आप क्या बनेगा, कोई आने से जाने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जो लिखा के रखा गया है वही आपको मिलेगा और कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला तैयारी करके रखा हुआ है, बाकी आप आने से मैं आने से लोग सोचते थे पहले जब NDTV का दौर था कि भाई NDTV होगा, दूसरा TV आने से क्या होगा, तीसरा आने से क्या होगा। अभी हजारों चैनल है, किसी का तो कोई कमी नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही बात है, हमारा पार्टी में 2 MP थे, अभी 240 है, किसी का सटी तो नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत खुलकर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हेमंत शर्मा जी, बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। हम उम्मीद करते हैं आप सिर्फ इनकी बातों को समझेंगे नहीं बल्कि एंजॉय भी करेंगे। धन्यवाद।